वाला बेकसूर है या बेगुनाह है, जमानत अपराधी को दी जाती है, बेकसूर को बाइज्जत बरी किया जाता है। इस प्रोसेस को समझो आप ही हो, थोड़ा सा तो दिमाग खोलो। या जो मनीष सिसोदिया ने एक के बदले एक फ्री दिलाई थी, वो पीपी के पूरा दिमाग जाम कर चुके हो। दिल्ली में नहीं आएगी, आखिरी अपनी अंतिम सांसें ले रही है दिल्ली में। केजरीवाल जब जेल में है, केजरीवाल की कैबिनेट ही जेल में है, बताओ 18 मंत्रालय चलाने वाला तो कैबिनेट ही होगी ना पूरी की पूरी। मनीष सिसोदिया बहुत डेंजर आदमी है, वो सिर्फ दिखावटी अपना चेहरा बनाते हैं ये, और दिल्ली की आबादी को, युवाओं को बर्बाद करने वाले, एक के साथ एक दारू देने वाले केजरीवाल, मतलब उनके सिसोदिया जी, ये एक नंबर के भ्रष्ट हैं, ये स्पष्ट हो चुका। और आज ये लोग उनके साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अभी सातों सांसद भाजपा के आए हैं, और वैसे ही अंतिम सांसों में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चल रही है, इस बार उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि हाय लगी है तभी तो ये जेल में है ना, 17 महीने बाद आए हैं मुचलके पे, 10 लाख के मुचलके पे 17 महीने बाद। केजरीवाल अभी भी जेल में है, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में, ये हाय लगती है सर लोगों की, वो हाय लग चुकी है। नमस्कार, मैं सुरजीत, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके शिक्षा मंत्री बाहर आ गए 10 लाख की मुचलके के ऊपर। अब कहा यह जा रहा कि सत्य की जीत हो गई और हार पराजित हो गया। अब कुछ लोग इसे भी बता रहे हैं कि सच्चाई की जीत हुई है, या कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शायद फिर से एक पर एक फ्री करने वापस आ गए। कुछ लोग ये भी बहुत खुशी मना रहे हैं, कुछ बेवड़ों की गैंग में खुशी का लहर है कि मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तो फिर से शायद एक पर एक फ्री होगा, और काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे। अब जनता से पूछेंगे कि उनका बाहर आना किसके लिए खुशी की बात है और किसके लिए नाराजगी की बात है, अब जनता बताएगी। क्या नाम है आपका सर? रामेश्वर आर्या। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, अतीश सिंह, सौरभ भारद्वाज, बहुत नेता बोल रहे हैं कि सत्य की जीत हो गई और पराजित हो गया, जो भी हार है या जो भी झूठ बोल रहे थे वो लोग, क्या ऐसा सच में है या जो कोर्ट कर रहा था वो सही था? पत्रकार महोदय, आपने उन्हें शिक्षा मंत्री क्यों कहा? जेल में तो शराब मंत्री के नाते गए थे ना वो, लेकिन शराब मंत्री और 18 मंत्रालय और थे, और वो मोहरा किसके हैं? केजरीवाल के। एक भी मंत्रालय ने नहीं लिया ना साइन किया, सिर्फ AI में पकड़े गए केजरीवाल, और केजरीवाल के सारे अपराध पकड़े तो गए हैं, अब जेल में है कि नहीं केजरीवाल? केजरीवाल सत्येंद्र जैन जेल में है, बेल पे कौन आया है? मनीष सिसोदिया। मुचल का कितना? 10 लाख। आप अभी अरेस्ट हो जाओ किसी भी बात पे, छोटे लड़ाई झगड़े में भी 5-10 हज़ार या एक बाइक की RC पे भी आप छूट जाओगे। 10 लाख किसी बहुत बड़े अपराधी को मुचलके पे छोड़ा जाता है, समझो इस बात को आप सर। ये एक बहुत बड़ा अपराधी है, एक के साथ एक फ्री शराब देता था दिल्ली में, और उसके अलावा एक से एक बड़े अपराध किए इन लोगों ने, इन्होंने साजिश रची है दिल्ली के लोगों के खिलाफ, दिल्ली के युवाओं के खिलाफ। ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि बिना किसी अपराध को सिद्ध हुए 18 महीना कोई नेता या राजनेता जेल में रहा हो ऐसा। अभी दूसरे कोर्ट की टिप्पणी आ जाएगी, वो देखना वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भैया इनका तो चार्जशीट में नाम आया हुआ है, ED की चार्जशीट में नाम आया हुआ है, मेन कॉन्स्पिरेटर तो यही है, इन्होंने तो शराब पॉलिसी बनाई थी, CBI की जैसे ही जाँच की बात हुई तो इन्होंने शराब पॉलिसी वापस ले ली, तो जो भैया लाया है उसे तो भुगतना पड़ेगा, हम तो इतना जानते हैं, अपराध किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी, 18 महीने ऐसे ही कोई नहीं रख सकता जेल में। क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कुछ ग्रुप गैंग चल रहा था कि एक पर एक फ्री शायद फिर से होगा, क्या सिसोदिया फिर से इस तरह कुछ हथकंडा बनाएंगे? पार्टी दिल्ली में नहीं आएगी, आखिरी अपनी अंतिम सांसें ले रही है दिल्ली में। केजरीवाल जब जेल में है, केजरीवाल की कैबिनेट ही जेल में है, बताओ 18 मंत्रालय चलाने वाला तो कैबिनेट ही होगी ना पूरी की पूरी। मनीष सिसोदिया बहुत डेंजर आदमी है, वो सिर्फ दिखावटी अपना चेहरा बनाते हैं कि वो बहुत शरीफ है, ईमानदार है, लेकिन और शिक्षा क्रांति छेड़ दिया है दिल्ली में, ऐसा बोलते हो, वर्ल्ड क्लास की शिक्षा कर दिया। पूरी दुनिया में कितने बच्चे गए हैं जो बहुत अच्छे भारत के सरकारी स्कूल से पढ़े हो, और ये बता दीजिए कितने IAS IRS कितने IPS के बच्चे, या कितने नेताओं के बच्चे, कितने आम आदमी पार्टी के पार्षद, MLA के बच्चे, सांसद के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? मुझे एक आंकड़ा दे दो, मैं मूछें कटवा दूँ इनके, 10 बच्चे दिखा दो बस मुझे। कोई नहीं पढ़ रहा सर, नहीं पढ़ रहे, बहुत बुरा हाल है। ये तो मौलानाओं को 24 से 30 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, अजान देने वालों को सैलरी दे रहे हैं, ये हाल है इनका। वक्फ बोर्ड वालों को 100 करोड़ से ज़्यादा दे दिए, ये तो मुस्लिम तुष्टिकरण है। ताहिर हुसैन इनका दिल्ली के दंगे करते हुए पकड़ा जाता है, ताहिर हुसैन नहीं तो करते दिल्ली के दंगे, और इनकी पार्टी समर्थन करती थी शाहीनबाग का, अभी इनकी पार्टी का एक भी ट्वीट नहीं है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर। मुस्लिम तुष्टिकरण का नंगा नाच करने वाले ये, और दिल्ली की आबादी को, युवाओं को बर्बाद करने वाले, एक के साथ एक दारू देने वाले केजरीवाल, मतलब उनके सिसोदिया जी,
ये एक नंबर के भ्रष्ट हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और आज ये लोग उनके साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू, जो भ्रष्ट थे कल तक, इनके लिए इन लोगों पे आरोप लगाया था और इन पे सजा देने तक की बात की थी। आज उस कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु सिंघवी को थे अपने लिए खड़े कर रहे हैं फेवर में, कल तक इनके खिलाफ बयान दिया करते तो समझो इस बात को आप। क्या नाम है आप? आशीष। मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, आप खुश हैं या नाराज हैं? ये मनीष सिसोदिया जो जेल से दस लाख रुपए के मुचलके के साथ बाहर आए हैं, जो एक बहुत बड़ा अपराधी होता है वो 10 लाख रुपए के मुचलके के साथ बाहर आता है। छोटा मोटा कोई अपराधी होता है तो आरसी का लगा देते हैं या बाइक का लगा दिया है या उसका केवल डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाता है। और वो जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री नहीं थे, वो शराब मंत्री थे, इसी कारण जेल भी गए थे। अब कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि फिर से शायद केजरीवाल की पार्टी के नेता सिसोदिया एक पर एक फ्री लेकर के आएंगे और सरकार मजबूती से फिर से सरकार बनाएगी। दिल्ली की जनता को 10 साल इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है, अब दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। अभी 7 सांसद भाजपा के आए हैं और वैसे ही अंतिम सांसों में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चल रही है, इस बार उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश। मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं 10 लाख के मुचलके के ऊपर, काफ़ी खुशी की लहर है, आम आदमी पार्टी ऑफिस में मिठाइयाँ बांटे गई और सौरभ भारद्वाज और अतीश बोल रहे हैं कि सत्य की जीत हुआ है और हार गया, एक तरीके से झूठ सामने आ गया है। अब बीजेपी का और बाकी जो पार्टी षड्यंत्र रच रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि षड्यंत्र था उनके खिलाफ? सर पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो आम आदमी पार्टी के उन मूर्ख कार्यकर्ताओं को जो 10 लाख रुपए के मुचलके पे आए हुए व्यक्ति को कह रहे हैं कि सच की जीत हुई है। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं आतिशी से, संजय सिंह से या तमाम उन आपियों से जो ये कह रहे हैं कि सत्य जीत गया है, क्या सत्य 10 लाख रुपये में खरीद कर जीता गया है? क्योंकि कोर्ट ने तो 10 लाख रुपये का मुचलके पे छोड़ा है, मतलब कि पेरोल पे अपराधी बाहर आता है। और ऐसे तो अपराधी राम रहीम का इतनी बार आ चुका है पेरोल पे बाहर, तो इसका क्या मतलब है कि सच की जीत होती थी जितनी बार राम रहीम आता था? मतलब तुम्हारी नज़र में क्या राम रहीम अपराधी नहीं है? या जो मर्डर केस में जाते हैं और पेरोल पर बाहर आ जाते हैं, क्या वो हत्यारे नहीं होते हैं? तो मुझे ये समझ में नहीं आता आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने मूर्ख कब से हो गए हैं कि भैया 1, 2, 10, 15 हज़ार रुपये की बात नहीं है, 1 लाख रुपए की बात नहीं है, 2 लाख रुपए की बात नहीं है, 10 लाख रुपए के मुचलके पे बाहर आए हैं 17 महीने बाद। और जमानत मिलना इस चीज़ की वो नहीं होती है कि सामने वाला बेकसूर है या बेगुनाह है, जमानत अपराधी को दी जाती है, बेकसूर को बाइज्जत बरी किया जाता है। इस प्रोसेस को समझो आप ही हो, थोड़ा सा तो दिमाग खोलो। या जो मनीष सिसोदिया ने एक के बदले एक फ्री दिलाई थी, वो पीपी के पूरा दिमाग जाम कर चुके हो, कब खुलेगा तुम्हारा दिमाग? कौन से सच की जीत है? 10 लाख रुपए में सच खरीदा है क्या मनीष सिसोदिया ने? जवाब दे दो संजय सिंह मुझे, 10 लाख रुपए का मुचलका दिया गया है ना? मुचलका मतलब पेरोल, ठीक है, पेरोल पे अपराधी बाहर आता है ना? उनको हर हफ्ते थाने जो साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति होगा, जो निर्दोष होगा, वो पेरोल पे बाहर आएगा या बाइज्जत भरी होगा? मुझे कोई भी आप ये बता दे, मुझे समझ ही नहीं आता क्या सोच है। तो फिर इतना खुशी क्यों मना रहे थे? आम आदमी पार्टी ऑफिस से मिठाइयाँ बांट रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कहा भी घूम रहे थे। देखने का नजरिया सबका अपना अपना है, आपको दिखा कि सब खुशी मना रहे थे, मुझे दिखा कि आतिशी जी रो रही थी फूट फूट के। क्यों रो रही थी? क्योंकि अब 15 अगस्त को वो दिल्ली में तिरंगा नहीं फहरा पाएंगी, समझ गए? वो अब तिरंगा नहीं फहरा पाएंगी क्योंकि डिप्टी सीएम साहब बाहर आ गए हैं। तो आतिशी जी का दुख तो ये था कि अब वर्चस्व की लड़ाई, पहले सिर्फ संजय सिंह आए थे बाहर सौरभ के साथ था। सौरभ और पहले सिर्फ सौरभ के साथ था वर्चस्व की लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं आतिशी जीतती नजर आ रही थी, फिर संजय जी आ गए तो इनके कलह हो गई। देखो स्वाति मालीवाल अलग हो गई संजय जी के आते ही, ठीक है। अब मनीष सिसोदिया आ गए, अगला नंबर हो सकता है राघव चड्ढा या सौरभ भारद्वाज, दोनों में से कौन जाएगा वो इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। और वो फूट फूट कर रो रही थी, आपको खुशी नजर आ रही होगी, मुझे तो उनका रोना नजर आया और स्टेज पे बकायदा फूट कर रोई हैं वो, तो मुझे तो वो उनकी तकलीफ वो पीड़ा नजर आई। मनीष सिसोदिया जैसे एक पर एक फ्री के हमेशा कहते रहते थे कि वो सही है, सरकार को राजस्व मिल रहा है, क्या वो फिर से लेकर के आएंगे इस तरीके के कानून और फिर से सरकार बनाएगी? क्योंकि इसी साल चुनाव है वहाँ, बोले मजबूत वापसी करेगी सरकार, जेल का जवाब वोट से, उनका कैंपेन भी चलता है। सर देखो ऐसा है, जेल का जवाब वोट से में तो दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप मारा, ना कांग्रेस को खाता खोलने दिया ना इनको खाता खोलने दिया, ठीक है। तो ये तो जेल का जवाब वोट से मिल गया इनको। अब दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं, असेंबली इलेक्शन की, तो देखो मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, ये फ्री की रेवड़ियाँ तो बांटते ही बांटते हैं, अगर इन्होंने दोबारा से एक पे एक फ्री वाली रेवड़ी और बांटी दारू वाली,
तो शायद हो सकता है चर्सी बेवड़े दे दे वोट, समझ रहे हो। लेकिन इस बार इनकी सरकार अगर बीजेपी ने थोड़ी सी भी अच्छी रणनीति के साथ में चुनाव लड़ लिया और किसी अच्छे कैंडिडेट के चेहरे पर चुनाव लड़ लिया, तो मैं बता रहा हूं कि दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली में भी सरकार भाजपा बना जाएगी, बशर्ते उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब उनको थोड़ा संगठनात्मक तरीके से एक ऐसा चेहरा फेस करना पड़ेगा सामने जिसे दिल्ली वाले अपना मानते हैं। जैसे कि दिल्ली का आज की डेट में सही मायने में अगर कोई भाजपा का भी नेता या पार्टियों को छोड़ दो, आज नेताओं में अगर कोई नेता है जो दिल्ली को उसका बेटा लगता है, उसका भाई लगता है, तो वो कपिल मिश्रा हैं। अगर उसको अपनी बहन या बेटी नज़र आती है तो वो हमारी वो हैं, क्या नाम है उनका, नहीं सर, नुपुर शर्मा। मैंने इसीलिए आपसे पूछा, वो दिल्ली की बेटी और बहन लगती हैं दिल्ली वासियों को। तो इन दोनों में से किसी एक के चेहरे पे मुख्यमंत्री फेस पर चुनाव लड़कर देख ले भाजपा, मैं बताता हूँ आम आदमी पार्टी की जमानत ना जब्त हो जाए तो बात है। सुरेश स्वराज में क्या गड़बड़ी है फिर? सर गड़बड़ी किसी में नहीं है, आप मेरी बात को समझिए, पूरी भाजपा में किसी में गड़बड़ी, उनकी मां भी दिल्ली में कैंडिडेट भी। आप फिर वही वाली बात है, बासुरी स्वराज को अगर आज भाजपा वो करती है, बासुरी स्वराज एक बहुत अच्छी लॉयर है, बहुत अच्छी नेत्री हैं और अभी सांसद बनी है, उनके ऊपर सांसद की जिम्मेदारी है, उनको सांसद की जिम्मेदारी संभालने दीजिए, वो अभी आई है राजनीति में, उनको और पकना है। लेकिन नुपुर शर्मा हिंदू शेरनी, जिसे दिल्ली की जनता क्या भारत की जनता अपनी बहन और अपनी बेटी मानती है, मैं भी उन्हें अपनी बहन मानता हूँ, ठीक है, या फिर कपिल मिश्रा जिसे दिल्ली की जनता आज अपना बेटा मानती है, दिल्ली की जनता आज अपना भाई मानती है, वो कपिल मिश्रा जो दिल्ली के नेता होते हुए भी कन्हैया लाल के लिए खड़े हो जाते हैं, उमेश कोले के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रवीण नितारू के लिए खड़े हो जाते हैं, समझ रहे हैं, हर एक हिंदू के लिए, चाहे दिल्ली में रिंकू शर्मा के लिए खड़ा होना हो तो वो कपिल मिश्रा ही खड़े होते हैं। ऐसा एक नेता, ऐसा एक स्वच्छ छवि का नेता, और कपिल मिश्रा कौन से नेता हैं, कोई आम नेता नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पहली चीज। दूसरी बात, वो उस आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आम आदमी पार्टी में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और उस आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी की पोल खोली और कपिल मिश्रा जी ने जितनी भविष्यवाणियां करी थी हर एक बात उनकी सच्ची साबित हुई, हर एक बात सत्य साबित हुई। केजरीवाल पर जनता अब हो गया पूरा, इनका कार्यकाल जेल में जाने के बाद इनका चेहरा धूमिल हो गया, क्योंकि अभी भी वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री देकर के अभी भी तो जीत ही रहे, सरकार बना रहे दो बार से और बोले तीसरी बार भी बनेगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप पत्रकार हो, एक बार दिल्ली का वोट परसेंटेज देखना, भाजपा का वोटर कहीं नहीं गया था, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में जो नुकसान किया वो कांग्रेस का किया। और अगर इस बार जैसे ये दिल्ली में अलग अलग लड़ने की बोल भी रहे हैं और बीजेपी ने सही संगठनात्मक तरीके से, सही तरीके से, सही रणनीति के साथ में चुनाव लड़ दिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसमें वो कर दिया, आम आदमी पार्टी बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर भाजपा ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो वो जीत रणनीति, वो तो हिंदुत्व के चेहरे पे चुनाव लड़ती है, अब जिनका नाम ले रहे थे वो भी वही थे, तो क्या बदलना चाहिए रणनीति, उससे बाहर निकले? सर बिल्कुल, आप फ्रंट फुट पर खेलो ना, दिल्ली के अंदर में आज दिल्ली की जनता किसके साथ है आप देखो ना, फ्री वालों के साथ है। नहीं सर, अगर फ्री वालों के साथ होती तो लोकसभा की 7 सीटें नहीं देती, देखो गलती सबसे हो जाती है, गलती सबसे हो जाती है। जनता ने फ्री का जो साथ दिया था वो साथ दिया था बिजली पानी पे, लेकिन इन्होंने बिजली पानी की आड़ में शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बनाकर शराब फ्री बंटवाई। आज वो माताएं बहनें जिनके बच्चे, जिनके पति, जिनके बेटे शराब पी पी कर अपना लीवर सड़ा चुके हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, आज उन माता बहनों की हाय लगी है, तभी तो ये जेल में है ना। 17 महीने बाद आए हैं मुचलके पे, 10 लाख के मुचलके पे 17 महीने बाद, केजरीवाल अभी भी जेल में है, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में, ये हाय लगती है सर लोगों की, वो हाय लग चुकी है और अब बस एक अच्छी रणनीति की जरूरत है, ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी समाप्त हो जाएगी। 63 विधायक कहाँ जाएंगे फिर जो जीते हुए? सर 63 में आधे से ज़्यादा अपराधी, आधे चले जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या लगता है कपिल मिश्रा के ऊपर एक दाग नहीं है? पूरी आम आदमी पार्टी ढूंढ के निकाल दे एक दाग तो मैं मान जाऊंगा, उस स्वच्छ छवि के नेता हैं कपिल मिश्रा और हिंदुत्व का मुखर चेहरा हैं, बोलना अच्छा आता है, एक अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली की नब्ज को जानते हैं, दिल्ली की नब्ज को जानते हैं, दिल्ली को उन्होंने समझा है, सीखा है, जाना है, समझ गए। और वो जब आम आदमी पार्टी में थे तब भी दिल्ली की जनता के बारे में ही सोचते थे, तो उनके ऊपर विश्वास दिखाना चाहिए, उन्हें सिर्फ उपाध्यक्ष तक सीमित ना रखकर आज उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, मैं तो ये मांग करता हूँ। क्या सिसोदिया को सीएम बनाया जाएगा? नहीं, केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ेगा ही नहीं भाई साहब, रंगासी आ रहे हैं, वो कुर्सी के लिए तो कुछ भी कर जाएगा, जिसने बच्चों की कसम तोड़ दी,
जो अपनी एक बात पर नहीं टिका वो कुर्सी छोड़ देगा क्या? मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं मिलेगी, डिप्टी सीएम वाली बेशक मिल जाए। एक लोगों की नैतिकता होती है कि डिप्टी सीएम अब संभाल लेगा कुर्सी, अब वो बाहर भी आ गए, पहले कोई नहीं था डिप्टी, तो अब तो करना चाहिए उनको नैतिकता के आधार पर। पार्टी वही संभालेंगे, जितने दिन का मुचकला मिला है उनको, जितने दिन के पेरोल पे आए हैं बाहर, उतने दिन तो संभाल ही लेंगे, लेकिन जेल तो जाना ही है, उनकी नियति है जेल जाना। जेल जाएंगे, उनकी नियति है जेल जाना। आप एक बात समझिए, एक बार घनानंद ने एक ब्राह्मण की शिखा खोली थी, एक ब्राह्मण की शिखा खोली थी घनानंद ने, और अंजाम ये हुआ था कि मौर्य वंश का स्थापना हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। केजरीवाल ने भी एक गलती करी थी, एक ब्राह्मण के बेटे को असेंबली से बाहर फेंकवाया था, और उस ब्राह्मण के बेटे ने उस दिन बोला था कि तुम सब जेल में जाओगे, तुम सब भ्रष्टाचारी हो, और जिस जिसका नाम लिया था वो सारे जेल में, सत्येंद्र जैन को बोलो तो सत्येंद्र जैन जेल में, इसको केजरीवाल को बोलो केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया को बोलो मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल से होकर आए हैं, राघव चड्ढा पे कभी भी तलवार लटक सकती है, आप समझिए। लेकिन तीन नाम जो कपिल मिश्रा ने लिए थे वो तीनों के तीनों जेल में, आज सिसोदिया बाहर आएगा तो आएगा।